क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्ते, सदावसले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के परिणाम आने शुरू हो गए हैं और उसके तहत नई पॉलिसी बननी शुरू हो गई। आपको याद होगा कि जब भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की थी, उस नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था की गई थी कि भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, अनएम्प्लॉयड कोई ना हो। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो उसके लिए छठी क्लास से कुछ ना कुछ करने की व्यवस्था की गई थी, अप्रेंटिसशिप करने की व्यवस्था की गई थी, और आठवीं क्लास, नौवीं क्लास, दसवीं के बाद ये व्यवस्थाएँ की गई थी कि हर एक बच्चा किसी न किसी जिस प्रोफाइल से पढ़ रहा है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, उस सब्जेक्ट का वो काम करना सीखे, प्रैक्टिकली काम करना सीखे। इसलिए हर एक वो बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से ऊपर हो चुकी हो, वो कुछ ना कुछ करे, उसके हाथ में कुछ अर्निंग आनी शुरू हो, उसको कुछ लाभ मिलना शुरू हो। ऐसी परिस्थिति में ये जब पॉलिसी आई थी तो उसके कई एक कयास लगाए गए थे। उन कयासों में ये कहा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पॉलिसी के तहत पूरे देश का सिस्टम बिगड़ जाए, यानी कि जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी से भारत की एजुकेशन ही बदल जाए। हमारे सामने इस समय भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि भारत में जो भी हम एजुकेशन लेते हैं उसकी डिग्रियां हम बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं, और उसके बाद जब हमको सारी डिग्रियां इकट्ठी करने के बाद हमको मनमाफिक जॉब नहीं मिलता, तब हम उसको लेकर घूमते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, सरकारों के खिलाफ खड़े होते हैं, रिजर्वेशन मांगते हैं और बहुत कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का टैग लेकर हम घूमते हैं। इन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए और भारतीय पुरानी व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, इसके लिए पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया था। इस पॉलिसी का एक और लाभ है, वो लाभ ये है कि जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर देश भर में ऊधम मचाती है और इन अनएम्प्लॉयड डिग्रीधारी बच्चों का इस्तेमाल करते हुए देश के विरुद्ध खड़ा कर देती है, उसकी संभावना यहाँ बिल्कुल शून्य होती जा रही है। क्यों शून्य होती जा रही है? जैसे मैंने कहा कि एमफिल की डिग्री लेने के लिए गया, पीएचडी की डिग्री लेने के लिए गया, इंजीनियरिंग की डिग्री उसने ली, फिलॉसफी की डिग्री उसने ली, ये डिग्रियां बहुत ज़्यादा जॉब जनरेट नहीं करती। इंजीनियरिंग की डिग्री जॉब जनरेट करती होगी, लेकिन ये जो फिलॉसफिकल डिग्रियाँ हैं ये बहुत जॉब जनरेट नहीं करती। लेकिन लोग इसको करने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, अनएम्प्लॉयड महसूस करते हैं, और अनएम्प्लॉयड महसूस करने का मतलब है देश में ये फिलॉसफिकल वर्क कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा करना सिखाते हैं, उल्टी ज्ञान की गंगा बहाते हैं और देश भर को परेशान करते हैं। अब चूंकि पढ़ा लिखा तो है, भले ही अच्छे से ना पढ़ा हो, लेकिन पढ़ा तो है, JNU से पढ़ा है, AMU से पढ़ा है, जादवपुर से पढ़ा है, जामिया मिलिया से पढ़ा है, तो या तो ये राष्ट्र विरोधी शक्तियों में लग जाता है, राष्ट्र के विरोध में एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेता है, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ उनको पेमेंट देती हैं, और राष्ट्र के निर्माण में भी ये भागीदारी हो जाते हैं, जितने खप जाते हैं उतने खप जाते हैं, बाकी के राष्ट्र के विरोध में काम करने वाली एजेंसियाँ, काम करने वाले संगठनों के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही जाता है। अब भारत सरकार ने ये जो व्यवस्था की, इसमें पहला स्पेसिफिकेशन आ गया है। उन्होंने दो चीज़ों को, मैपिंग, एजुकेशन मैपिंग या रिक्वायरमेंट मैपिंग की व्यवस्था की है। रिक्वायरमेंट मैपिंग के लिए कुछ संस्थानों को चिन्हित किया गया है, और उन संस्थानों को चिन्हित करने के बाद ये पता करने का प्रयास वो करेंगे कि आखिर अगले 5 साल, 10 साल, 12 साल में किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, कौन सी डिग्रियों की डिमांड बढ़ने वाली है, कौन से व्यवसाय की डिमांड बढ़ने वाली है। इलस्ट्रेशन के रूप में आप लें तो इस समय नई शिक्षा नीति के तहत सभी स्कूलों ने कोडिंग क्लासेस पढ़ानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि भविष्य में कोडिंग की संभावना दिखती है। कोडिंग से मतलब है कि हम सब कंप्यूटर पर चलते जा रहे हैं, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भविष्य है
सारे संसार का भविष्य है। तो अब भारत में इस समय कोडिंग क्लासेस के लिए ज़्यादातर विद्यालयों ने अपने यहाँ कोडिंग क्लासेस करनी शुरू कर दी। ऑनलाइन भी आप देख ही रहे होंगे कि ऑनलाइन पढ़ाने वालों ने भी फ्री कोडिंग क्लासेस ये वो करना शुरू कर दिया है। तो कोडिंग क्लासेस पढ़ानी शुरू कर दी, ये रिक्वायरमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एजुकेशन में आप देखते होंगे कि हर वर्ष BTC या BEd या MEd, MPhil, PhD इसके बच्चे हर वर्ष देश के ऐसा शायद ही कोई राजधानी रहती हो जहां धरने प्रदर्शन नहीं होते, जहां हंगामा नहीं होता, जहां पर सरकार के विरुद्ध नारे नहीं लगते और कोई भी सरकार बैठी हो उन सरकारों को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ लोगों को मिल रही हैं। अब हम एक तरफ तो ये कह सकते हैं कि किसी को डिग्री लेने से आप कैसे रोक सकते हैं, कोई पढ़ना चाहता है कैसे रोक सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है ये उसकी च्वाइस होनी चाहिए। बात तो ठीक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट, ये फंडामेंटल राइट की तरह हैं। लेकिन ये फंडामेंटल राइट आपके पास एजुकेशन लेने के हैं लेकिन उसको अनएम्प्लॉयमेंट के साथ न जोड़ा जाए, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो उतनी ही डिग्रियां बांटे जितनी रिक्वायरमेंट हो ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर हो सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर से मतलब ये है कि कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है उस सब्जेक्ट में भीड़ घुस रही है। अब जैसे आज की तारीख में कॉमर्स में भीड़ घुस रही है, MBA में भीड़ घुस गई है, MCA और BTEC में भीड़ घुस गई है। सबको ये देखता है कि हमको ये कर लेना चाहिए। अब इसमें भीड़ घुस गई उस हिसाब से जिस प्रकार से डिमांड आई, डिमांड के हिसाब से लोग आगे बढ़े और डिमांड के हिसाब से पढ़ाई करवानी शुरू कर दी, डिमांड के हिसाब से स्कूल खोलने शुरू कर दिए, डिमांड के हिसाब से डिग्रियाँ बांटने शुरू कर दी। अब ये डिमांड किसकी है? ये फेवलस डिमांड है लोगों की, क्योंकि भीड़ को लगता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है उसके पास बहुत धन रहता है, भीड़ को लगता है कि जो इंजीनियर बन जाता है उसके पास बहुत पैसा पैदा होता है, भीड़ को लगता है कि जो कंप्यूटर इंजीनियर है उसके पास बहुत धन आएगा, या मार्केटिंग MBA किया हुआ है तो बहुत धन आएगा। अब चूंकि आजकल जैसे क्लैट है, क्लैट में भीड़ भरी हुई है। क्यों क्लैट में भीड़ बढ़ी है? क्योंकि उनको लगता है कि ये एक 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 प्लेसमेंट का अच्छा जरिया मिल रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में हमको जॉब मिल जाती है, बनता तो आफ्टरऑल वकील ही है। अभी आज से 5 साल 10 साल पहले तक वकील को आप कहते थे कि नहीं वकील बनना मतलब क्या, अब उस तरफ बड़ी तेजी से डिमांड चली गई है। क्यों? क्योंकि उसका एक एक फोकस बनाया गया देश भर में, और फोकस ये बनाया गया कि साहब अगर आप क्लैट कर लेंगे, ये जो है कैट, ये जो है वो इंजीनियरिंग, ये जो है वो बाकी की जो डिग्रियां हैं उनसे सबसे सुपर चल रहा है। तो भीड़ ने वहां चलना शुरू कर दिया और वो क्लैट की तरफ, अब वकील बनने की तरफ घुस गए। ज़्यादा डिग्रियां बढ़ जाएंगी तो इस क्लैट के माध्यम से को ध्यान में रखते हुए 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स सभी यूनिवर्सिटियों ने शुरू कर दिए, मोस्टली कॉलेजों ने शुरू कर दिए। अब ये डिग्रियां अगले 4-5 साल में इतनी भरकर निकलेंगी कि कचहरी में जगह नहीं मिलेगी कि इनको कहां खड़ा किया जाए। यानी कि जो प्रोफेशनल डिग्री है, जो डिग्रियां आप लेना चाहते हैं, उन डिग्रियों की कितनी डिमांड है इसकी कोई मैपिंग भारत में नहीं है। भारत सरकार ने अब नई शिक्षा नीति के तहत मैपिंग के हिसाब से 6th क्लास से 6ठी क्लास में जब बच्चा जाएगा वहां से उसको अपनी फील्ड तय करनी है, और जैसे जैसे उसकी डिमांड आएगी उस डिमांड के अनुसार आगे डिग्रियां मिलेंगी। प्रोफेशनल डिग्रियां आगे की तभी मिलेंगी जितनी मार्केट में डिमांड होगी या जितना खपाया जा सके देश में और एक्सपोर्ट किया जा सके विदेश में, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये अनुमान लगाने के लिए कुछ एजेंसियां, कुछ यूनिवर्सिटियां तय की गई हैं। वो यूनिवर्सिटियाँ एजेंसियाँ इनको ध्यान में रखते हुए ये बताएंगी कि कितनी डिग्रियाँ अगले 5 साल 10 साल में देनी चाहिए। हालांकि इसका लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर हो, जहां जिसकी डिमांड आगे आने वाली हो वो आज से तय हो, 6ठी क्लास से तय हो, ताकि बच्चा जब अप्रेंटिसशिप करने जाए तो वो उसी फील्ड में अप्रेंटिसशिप करे, उसमें उसका इंटरेस्ट जागे, जिसमें उसका इंटरेस्ट जागे उसी में वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करे, उसी में वो PhDयां करे, उसी में वो फिलोसॉफिकल वर्क करे, ताकि ये क्लियर हो सके कि उसको पढ़ना क्या है। मैं आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग और दूसरा एजुकेशन ये बड़ी फील्ड है, क्योंकि इंजीनियरिंग में इस समय बहुत भीड़ है।
आपने देखा होगा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। अब जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती थी बीएससी एमएससी, उसका स्थान बीटेक एमटेक ने ले लिया है। और बीटेक एमटेक में जो बच्चा जा रहा है वो एक तो पहले से दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई इंजीनियर है, और अब उसको जॉब की सताने लगी है, घर वालों ने पैसे बेचकर पैसे किसी तरह से अर्न करके बच्चे का एडमिशन करवाया था ये सोचकर कि इसको प्लेसमेंट मिलेगा तो फिर ये हमारे घर की सब दरिद्रता दूर करेगा। लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा और डिमांड कम, और प्रोडक्शन ज़्यादा डिमांड कम का परिणाम बहुत कुछ गलत निकलता है। इससे एक और लाभ जो भारत सरकार करना चाहती है, एक बड़ी आबादी भारत में है जिनके 4 शादियां 14 बच्चे पैदा होते हैं और वो कभी भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, मदरसे में कुछ अलिब्बे पढ़ा दिया और हफ्जा करवा दिया, हफ्जा करवाने के बाद एक पंचर की दुकान पर खड़ा कर दिया, एक मैकेनिकल काम करने वाले किसी मोटर मैकेनिक के पास या बाइक मैकेनिक के पास साइकिल मैकेनिक के पास खड़ा कर दिया छोटे से बच्चे को जिसकी आयु 7-8 वर्ष है, वो वहाँ पर जाकर काम करना शुरू कर देता है। तो छोटे जो जॉब निकलते हैं, छोटे जो काम निकलते हैं, वो ले जाते हैं बिना स्किल्स के। इसलिए वो एक समुदाय विशेष ये कहता है कि हमें तो केवल रोटी चाहिए, रोटी के लिए उसको स्किल चाहिए, स्किल के लिए वो पंचर की दुकान पर बैठता है वहाँ को सीख जाएगा, वो किसी मैकेनिक के पास बैठता है वो को सीख जाएगा। तो वो एजुकेशन नहीं लेता और परिणाम ये निकलता है कि मदरसे में जो उसको जिहाद सिखाया गया, जो उसको जिहादी मानसिकता बना दी गई, उस मानसिकता के अनुरूप वो बड़ा होता है और उसकी दौड़ कहाँ तक, कहते हैं मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, उसकी दौड़ अपनी साइकिल की पंचर की दुकान और उसके बाद मस्जिद, मस्जिद में मुल्ला मौलवी अपने हिसाब से उसको प्रोपोगेट करते हैं, उसके हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं और उससे कभी बॉम्ब फोड़वाते हैं तो कभी धरने प्रदर्शन, तो कभी शाहीन बाग करवाते हैं, तो कभी CAA का प्रोटेस्ट करवाते हैं। यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने बाहर की कोई दुनिया नहीं देखी, उसने सिर्फ 3 चीज़ें देखी, पहला उसने मदरसा देखा, दूसरा उसने पंचर की साइकिल की दुकान देखी और तीसरा उसने मंदिर के मौलवी को सुना, मस्जिद के मौलवी को सुना। ये 3 चीज़ों में ही उसकी दुनिया सिमट कर रह जाती है, इसके बाहर वो सोचना नहीं चाहता और सोचने की उसमें क्षमता भी नहीं होती। क्या होगा अब जब हम बच्चे को 6ठी क्लास से कुछ ना कुछ अप्रेंटिसशिप करवाना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ उसको स्किल मतलब पढ़ाई के साथ साथ और जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो लेना शुरू कर देंगे, तो इस कम्युनिटी के बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा। अगर वो स्कूल नहीं आते हैं तो एक बच्चा जो 6ठी क्लास में है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तहत एक बड़े शोरूम पर काम करने जाता है, एक बड़ी साइकिल कंपनी में काम करने जाता है, या फिर वो एक ऑटोमोबाइल के बड़े सर्विस सेंटर पर जाता है, वहाँ से जो उसकी पास स्किल आएंगी उस स्किल का कोई तोड़ नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ वो थ्योरियाँ भी पढ़ेगा और उसका हेजिटेशन भी दूर होगा। एजुकेशन जितनी चाहे जब चाहे तब वो ले सकता है। अगर उसने 12th क्वालिफाई कर लिया है और उसको प्लेसमेंट हो गया तो जब कंपनी को ज़रूरत, जहाँ भी वो काम कर रहा है उसको ज़रूरत है कि नहीं अब हमें फर्स्ट ईयर कर लेना चाहिए, तो वो अगले फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेगा, यानी कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद उसको लगता है कि मेरा काम अभी के लिए हो गया है, मुझे क्विट कर जाना चाहिए, वो वहाँ से क्विट करके अपने काम पर फिर लग जाएगा और जैसे ही उसके प्रमोशन के लिए आवश्यकता है कि उसको एक नेक्स्ट स्टेप सीखनी है तो फिर वो कॉलेज में एडमिशन ले सकता है और सेकेंड ईयर की डिग्री ले लेगा। इस प्रकार पहले ईयर में सर्टिफिकेट की डिग्री सर्टिफिकेट दे देंगे, दूसरे ईयर में उसको ये डिग्री दे देंगे और अगर उसको आवश्यकता होती है तो तीसरे ईयर में स्पेशलाइज्ड डिग्री दे देंगे, जैसा आज भी होता है, लेकिन इकट्ठी डिग्री लेनी होती है। अब हमने नई शिक्षा पॉलिसी के तहत इकट्ठी डिग्री लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया है, आपकी आवश्यकता अनुसार डिग्री इन करिए और आवश्यकता अनुसार आउट करिए, यानी कि आवश्यकता अनुसार आप एडमिशन लीजिए, जब आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए तो वहाँ से आउट होकर आप अपने काम पर आ जाइए और काम के दौरान आपको फिर से महसूस हो कि मुझे और स्किल्स की आवश्यकता है तो फिर एडमिशन ले लीजिए और फिर डिग्री ले लीजिए। इस प्रकार से मास्टर डिग्री और फिर रिसर्च वर्क, ये सब आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, यानी कि जिस समय आप 6th क्लास में एडमिशन लेंगे उसके बाद आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, ना कि आपके पास केवल डिग्रियाँ होंगी।
थ्योरेटिकल अनुभव भी आपके पास होगा और प्रैक्टिकल काम भी आपके पास होगा, यानी कि अब आप बेरोजगारी की तरफ नहीं भागेंगे, क्योंकि डिग्रियां होने के बाद जब प्राइवेट नियोक्ता प्राइवेट एम्प्लॉयर किसी को बुलाता है तो वो सिर्फ अनुभव मांगता है, डिग्रियां उसकी प्राइमरी कंडीशन होती है। और अनुभव आपके पास इसलिए नहीं होता क्योंकि डिग्रियां इकट्ठी करने में आपने 12-15 साल लगा दिए हैं, यानी कि अब जो भी काम भविष्य में होगा, जिसके लिए मैंने कहा कि पहली स्टेप भारत सरकार ने एजुकेशन और इंजीनियरिंग में लिया है कि एजुकेशन और इंजीनियरिंग में उतनी ही डिग्रियां उतनी ही सैंक्शन दी जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा, या जो 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 काउंसिल रहेगी उसके द्वारा उतनी ही सैंक्शन आपकी कैपेसिटी दी जाएगी जितनी डिमांड होगी, यानी कि जो डिमांड भेजी जाएगी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या नीति आयोग के द्वारा उतनी डिमांड के अनुसार ही डिस्ट्रीब्यूशन सारे देश में हो जाएगा। हालांकि इससे बड़ी समस्याएं होने वाली हैं, ये अनुभव ये जो 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 एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट लागू करना अपने आप में बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हमारा शिक्षा संस्थान जकड़े पड़े हैं प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोफेशनल अर्निंग की तरफ, क्योंकि हमारे शिक्षा संस्थान शिक्षा कम और अर्निंग ज़्यादा सिखाते हैं और अर्निंग खुद भी अच्छी करते हैं। इसलिए इन्होंने ऐसा ना हो कि विद्रोह कर जाएं, ऐसा ना हो कि ये धरने प्रदर्शन करके सरकार के ऊपर दबाव बनाएं और सरकार से कहें ये पॉलिसी नहीं चलेगी, हमारे व्यापार पर फर्क आ रहा है, हमारी डिग्रियों पर फर्क आ रहा है, हमारे मैनेजमेंट पर फर्क आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार ने कुछ अच्छी योजना ही बनाई होगी और उस योजना के तहत ही नई एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह के प्रभाव या बदलाव करना शुरू किया है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ भारत सरकार का एक सोचा समझा स्टेप है और भारत सरकार इस पर सही तरीके से इनिशिएट कर पाएगी। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।